आज हम बनाने वाले एमएस पेंट पे डोरेमोन। आज हम एमएस पेंट पे बनाने वाले हैं डोरेमोन। आज देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक सर्कल, और यहाँ से हम सर्कल लेते हैं। इस तरीके से एक सर्कल लिया यूं करके, इसको हमने कलर चेंज कर लेंगे ब्लैक कलर में। और लेने के बाद में इसकी हमने एक कॉपी और ले लेते हैं। इस तरीके से एक और कॉपी हमने ली, सेट कर लिया हमने इस तरीके से। ओके, और इतना करने के बाद में फिर से हमने एक सर्कल लिया, और सर्कल लेने के बाद में इसकी हम बनाने वाले हैं आज आइस। सेट कर लेंगे इसे, और इसमें कलर कर दिया ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद में यहाँ पे हमने एक और थोड़ा सा सर्कल लिया, इसमें वाइट कलर कर दिया हल्का सा यूं करके। ऊपर की साइड में से हम सेट कर देंगे इस तरीके से। अब वो सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बना ली हमने इसकी, इसको हम रोटेट कर लेंगे इस तरीके से फ्लिप हॉरिजॉन्टल। आगे चलते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इसे रख देंगे यूं करके। और अब आता है यहाँ पे रेजर, रेजर से यूं करके थोड़ा सा हटा देंगे इस तरीके से। पहले से जूम कर लेते हैं, जूम करके बनाते हैं। अब ठीक है, रेजर टूल लिया, कंट्रोल माइनस के साथ में हमने रेजर को थोड़ा सा छोटा किया, और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे इधर साइड से भी। ओके, अब ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम वहीं वापस आ जाते हैं फॉर्म पर। ये कुछ निकल रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर, एक सेकेंड। ओके, अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ से हम एक लाइन लेंगे सीधी, इसकी लाइन शिफ्ट के साथ में इसको सीधा प्रेस कर लेंगे। सेंटर पर रख दिया हमने इसे। और जो अब क्या बनाना है, मैं इसकी मूछे बनानी है, तो हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। जो कि कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं इसे इस तरीके से। यहाँ से भी लिया, ना करने के बाद में इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी निकालनी, और कॉपी निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ से भी छोटा हल्का सा। अब ठीक है, इसको भी उठा के हमने इस तरीके से हम रख देंगे। छोटा किया यूं करके, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए, फिर अब क्या रह गया, इसका मुंह भी बनाना है। तो हमने इस तरीके से इसको सर्कल को हमने अनड्रैग किया, और इसको हम हाफ कर लेंगे, आधा कट किया हटा देंगे। ओके, यहाँ पे
सेलेक्ट और थोड़ा सा रिमूव, इतना सा, अब ठीक है। और इस तरीके से इसका मुंह बन गया। वाओ, अब आगे चलते हैं। इसकी क्या बनानी है, टाई, टाई भी बनानी है। तो हम यहाँ से एक सर्कल, तो आगे सबसे पहले हम क्या बनाना है, हमें इसकी टाई बनानी है। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद हम इस तरीके से इसको हम ड्रैग करेंगे, हाँ इतना, और इसे हम सेट कर लेंगे। सेंटर पे कर दो इसे, मूव करके। थोड़ा सा पतला और कर देते हैं। ओके, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ से एक सर्कल लिया, थोड़ा छोटा सा फूल करके, इसे भी हम सेंटर पे कर देंगे। ओके, और इसमें हमें लाइन दे देती है, एक दो मूव करके। इसे भी सेट कर दो। एक सर्कल, कलर फिल कर देंगे अभी। अब इतना करने के बाद मैं अब नीचे भी इसकी बॉडी बनानी है, तो उसके लिए हमें यहाँ से एक कर्व लिया हमने। कर्व लेने के बाद में इस तरीके से इसको हम ड्रैग कर देंगे। ओके, ऐसे एक और हमने लिया इधर की साइड से भी हमने यूं करके ट्रैक किया, हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से कर्व हमें यहाँ भी लेना है, इसके हाथ बनाने हैं हमें। इस तरीके से, ओके, एक सर्कल इधर भी लेंगे। फिर से हमने एक ओवर लिया, वैसे हम सेट कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद में अब आ जाते हैं। एक सर्कल लिया और इस तरीके से इसको ड्रैग किया, और सेम थोड़ा सा कट कर लेंगे, इतना कट करने के बाद में यहाँ से हम इसको यहाँ से इस तरीके से स्टील लाइन से बंद किया। और बंद करने के बाद फिर से हम इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में इसे हम सेंटर पे रख देंगे इस तरीके से। आपको बड़ा लग रहा हो तो हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, कितना हमें छोटा करना है। पॉकेट भी बनानी है, तो हमने फिर वही इसी तरीके से एक ओवल लिया, और ओवल लेने के बाद में इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे, इसकी हम पॉकेट बना देते हैं। ओके, और सेलेक्ट करके इसे हम रख देंगे यहीं पे। जी, इसकी पॉकेट हो गई। अब इसके पैर भी बनाने हैं हमें। कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकालने के बाद में इसको इस तरीके से सेंटर पर रख दिया, और
ये लो इसके पैर भी हो गए, और यहाँ से स्ट की लाइन से इस तरीके से ट्रैक किया यूं करके, अब क्या करना है हमें कलर फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, फिल कलर में जाएंगे, और फिल कलर में जाने के बाद में यहाँ से हमें कलर लेना है, ये लो आगे हम कलर फिल कर देते हैं इसमें, इसमें भी हो गया और यहाँ पे भी हाथों में भी हो गया। ये लीजिए आपका डोरेमोन बनके तैयार हो गया। येलो कलर तो आपका डोरेमोन रेडी हो चुका है, और इसकी हम एक कॉपी और निकाल देते हैं। इसके तो जुड़वा भाई हो गया, एक और आपका तैयार हो चुका है। आप बता दीजिए भाई कैसा लगा आपको। तो इसकी हम नोज बनाना तो भूल ही गए, वो कैसे बनेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने वही रेक्टेंगल सर्कल लेते हैं, इतना सा छोटा सा, और इसमें हमने कलर कर दिया रेड कलर, और रेड कलर करने के बाद में फिर से हमने एक रेक्टेंगल लिया, नहीं सर्कल, और सर्कल लेने के बाद यहाँ पे हम वाइट कलर कर देंगे छोटा सा इस तरीके से, ओके इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में इसकी हम कॉपी निकाल लेंगे। एक हमने यहाँ पे रख दी, एक यूं करके यहाँ पे रख दी। अब बताइए हमारा डोरेमोन कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए।